नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश भयंकर संकट में घिरा हुआ है। देश में कोरोना वायरस के हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में एक बार फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन की चर्चा तेज हो गई है। इंटरनेट मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इंटरनेट मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों में देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामले को लेकर फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगने की चर्चा जोर पकड़ रही है। इसको लेकर कई संदेश इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें देश में 3 मई से 20 मई के बीच संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं। आइए जानते हैं इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे इन दावों के पीछे की सच्चाई क्या है। इंटरनेट मीडिया पर एक तस्वीर में पीएम मोदी की फोटो के साथ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें 3 मई से 20 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा भी की गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि देश के सभी राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर सहमति जताई है। 3 मई से 20 मई तक पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। बड़ी बात तो यह है कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे इन दावों के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की गई, जिसमें पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने देश में 3 मई से 20 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। 20 अप्रैल को देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने इस बात की और साफ इशारा कर दिया है कि सरकार कहीं से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा था कि वर्तमान स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश से कहा है कि कोरोना का संक्रमण कम करने के लिए वे पूरे राज्य में लॉकडाउन न लगाए। इसके बदले जिलों में और जहाँ पर दूसरी लहर का असर ज्यादा है वहीं प्रतिबंधात्मक उपाय करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।